मेमना और भेड़िया। एक वक्त का किस्सा है कि एक शरारती मेमना था जो हर रोज किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता था। ए खुदा, मैं पूरा कीचड़ में आलूदा हूँ और बू आ रही है। मम्मी को ये बात कतई पसंद नहीं आएगी। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई और उस छोटे मेमने की जानिब उसने गुस्से से देखा। तुम कभी मेरा हुक्म नहीं मानते है ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी ऊंचाई से छलांग मत मारो। पर मैंने आपसे ये भी तो फरमाया था कि इसमें बहुत लुत्फ है। आप भी तो कभी भी मेरी बात नहीं सुनती मम्मी। माँ भेड़ अपने मेमने की शरारत पर हंसने और उसे आगोश में भरने पर मजबूर हो गई। अब चलो भी, चलो तुम्हें साफ करें। उसकी अम्मी हमेशा अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी कि वो हमेशा अपने बच्चे की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहती। उसकी अम्मी हमेशा उसे आगाह करती। याद रहे, तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए। वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, वो तुम्हें खौफजदा करते हैं और कई बार वे तुम्हें खा भी जाते हैं। ओ मम्मी, आप बहुत फिक्र करती हैं। पर शरारती मेमना कभी बात नहीं सुनता। मेमना अक्सर जंगल में चला जाता और वहाँ लंबे अरसे तक खेलता रहता, जब तक कि शाम तक का अंधेरा नहीं हो जाता। एक दिन हमेशा की तरह मेमना जंगल में दूर भटक गया। वहाँ उसने एक झरना देखा। वो एक झरना है, मैं सही वक्त पर पहुँच गया। मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी। तो उसने फैसला किया कि झरने से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाए। जब मेमना झरने से पानी पी रहा था, एक भेड़िया दरख्त के पीछे से उसे घूर रहा था। एक लजीज मजेदार मेमना, आज मेरा खुशगवार दिन है। तो अपने बुरे इरादों को लेकर भेड़िया मेमने की जानिब बढ़ने लगा। मेमना भेड़िये के आने से बिल्कुल बेखबर था और पानी पी रहा था। और इन दो जानवरों के अलावा आसपास कोई भी जानवर नहीं था जो मेमने को भेड़िये से बचा सके। तुम्हें पता है ये जंगल सिर्फ मेरी तरह जंगली जानवरों का है। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस झरने से पानी पीने के लिए? मेमना डर गया था जब उसने अपनी रूबरू भेड़िये को देखा। उसे इल्म था कि भेड़िये खूंखार जानवर होते हैं। मम्मी ने मुझे आगाह किया था भेड़ियों की बाबत। मुझे यकीन है ये भेड़िया मुझे अपने दोपहर के खाने में खाना चाहता है। ये भेड़िया बहुत ही खूंखार है। जितनी जल्दी हो सके मुझे जानवर से बचकर निकलना चाहिए। मैं मुआफी चाहूंगा ऐ ताकतवर भेड़िये, क्योंकि मैं एक अदना सा मेमना हूँ जिसे कोई भी इल्म नहीं है हुजूर। साथ ही तुम पानी भी गंदा कर रहे हो। अब मैं ये गंदा पानी कैसे पीऊंगा? मैं फिर से माफी चाहूंगा, पर आप प्यासे नहीं रहेंगे ऐ ताकतवर भेड़िये। आपकी तरफ का पानी साफ है। क्योंकि झरना जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से बहकर वहाँ आ रहा है, मेरी जानिब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मेमने से ऐसी दानिशमंदी का जवाब सुनकर भेड़िया सकते में आ गया। पर भेड़िया बस एक बहाना तलाश कर रहा था मेमने को मारने का। मुझसे बहस करने की तुमने जुर्रत कैसे की? शायद तुम वही मेमने हो जिसने पिछले साल मुझे गाली दी थी। पिछले साल? पर हुजूर, उस साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। मेमने को इल्म था कि भेड़िया बस कोई बहाना ढूंढ रहा है मेमने को मारने के लिए। मेमने ने अपने लफ्जों और हरकतों पर लगाम कस ली। इस तरह मेमने और भेड़िये ने एक दूसरे से पूरी एहतियात से गुफ्तगू की। मेमने ने कुछ लकड़हारों की आवाज सुनी। वो उसी रास्ते पर आ रहे थे जहाँ मेमना और भेड़िया खड़े थे। मेमना दानिशमंद था। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं कुछ देर और ज्यादा इस भेड़िये से गुफ्तगू करता रहूं, तो लकड़हारे यहाँ पर आ पहुँचेंगे और इसे यहाँ से भगा देंगे। हुजूर भेड़िया, आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने पानी को गंदा किया है, पर मेरा आपको परेशान करने का इरादा नहीं था। पर तुमने पहले से ही मुझे परेशान कर दिया है। ओ, मैं आपको एक कहानी सुनाकर इसकी भरपाई करना चाहूँगा हुजूर। कहानी? ये तो वक्त जाया करना होगा। पर मुझे उसे सुनना होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब सरकना होगा, क्योंकि मुझ में इसका पीछा करने की ख्वाहिश या कुव्वत नहीं। एक वक्त की बात है। इस तरह
मेमना कुछ और मिनट गुफ्तगू करता रहा। जब मेमना गुफ्तगू कर रहा था, लकड़हारे आ पहुँचे। उन्होंने मेमने और भेड़िये दोनों को देखा। ओ, वहाँ देखो, एक भेड़िया। वो तो खतरनाक लगता है। और उन्होंने भेड़िये को पकड़ा और उसे खूब मारा। उसे आजाद करने से पहले मेमने ने खुद को महफूज पाकर राहत की सांस ली। आज तो मैं बाल बाल बच गया। वो अपनी अम्मी के पास वापस दौड़ गया। उसने अपनी अम्मी को बताया जो कुछ जंगल में हुआ था, लकड़हारों और भेड़ियों की बाबत। और फिर उसने अपनी अम्मी से वादा किया कि वो फिर कभी भी जंगल में बिना इजाजत नहीं जाएगा। और अम्मी ने राहत की सांस ली कि मेमने ने अपना सबक सीख लिया है। ओह हाँ, अब मुझे इल्म हो गया है मम्मी। मुझे अकेले ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ ताकतवर और खूंखार जानवर मुझे मारने की ताक में छुपे बैठे हुए हों। भेड़िया और सात बच्चे। एक दफा का जिक्र है, काले जंगल के नजदीक एक बकरी माँ एक छोटे से प्यारे घर में अपने सात बच्चों के साथ रहती थी। एक दफा बकरियों में लड़ाई का मुकाबला हुआ और काले जंगल में से बकरियां मुकाबले के लिए आईं। और ग्रैंड बुली फिर से जीत गया है। क्या यहाँ कोई है जो ग्रैंड बुली को मुकाबला दे सके? और ये आई मुकाबला देने वाली, बड़े सींग वाली खातून अजीम मार्था। सर जोड़ो, एक दो तीन लड़ो। दोनों बकरियां पूरी कुव्वत के साथ एक दूसरे को धकेलने लगी। ग्रैंड बुली अम्मा बकरी पर हावी था, वो अखाड़े से बाहर गिरने वाली थी। आ जाओ माँ, आ जाओ, उसे माँ की ताकत दिखाओ। अपने बच्चे की हौसला अफजाई के बाद माँ ने बड़ी बकरी को एक जोरदार झटका दिया और उसे अखाड़े से बाहर फेंक दिया। मार्था ये लड़ाई जीत चुकी है। तमाम बच्चे माँ के गिर्द इकट्ठे हुए और उसको गले से लगाया। माँ, तुमने उसे दिखा दिया, हुर्रे! एक चालाक भेड़िया मजमे में छुपा उन्हें देख रहा था। बहुत सारे बच्चे, इतना सारा खाना। चलो बच्चों, चले, मैंने घर का सामान लेने बाजार जाना है। माँ अपने बच्चों के साथ वहाँ से चल पड़ी। भेड़िये ने उनका पीछा करना शुरू किया ताकि वो ये देख सके कि ये खानदान कहाँ रहता है। चलते हुए माँ को शक गुजरा और उसने मुड़कर देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने भेड़िये के कदमों के निशान देखे। ये चालाक भेड़िया, मुझे एक दिन इसे सबक सिखाना है। यूं ही वो घर पहुंचे। माँ को कुछ सामान लेने के लिए घर से जाना था। मैं सामान खरीदने बाहर जा रही हूँ, तुमने दरवाजा किसी के लिए भी नहीं खोलना, मत भूलो। बाहर एक मकार भेड़िया घूम रहा है, वो काला है, उसके पंजे खौफनाक है और उसकी आवाज गंदी और भारी है। अगर कोई खटखटाए, दरवाजा अच्छी तरह बंद रखो। अपना ख्याल रखना, अलविदा। अलविदा मामा। अलविदा मामा। अम्मा बकरी बाजार चली गई। एक दरख्त के पीछे से भेड़िया उसे देख रहा था। तुम फिक्र मत करो अम्मा बकरी, तुम बाजार जाओ, मैं अपना खाविदा खाना तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए बगैर खा जाऊंगा, सीधा पेट में निकलूंगा। फिर खुद को ज्यादा जाहिर ना करते हुए भेड़िया बकरी के घर की तरफ भागा और वहां पहुंचकर उसने अपना भेष बदल लिया। दरवाजा खोलो बच्चों, मैं वापस आ गई हूँ। बकरी बच्चों ने एक दूसरे को देखा लेकिन दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ये अम्मा हैं, मैं बाजार से वापस आ गई हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चों ने जब उसकी भारी आवाज सुनी
तो उन्हें अपनी माँ की बात याद आई। हम जानते हैं तुम कौन हो, तुम भेड़िए हो। हमारी माँ की मीठी प्यारी आवाज़ तुम्हारे जैसी भारी गंदी नहीं। चले जाओ, हम तुम्हारे लिए कभी दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िए ने गजबनाक तरीके से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चे खौफ से तड़तड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने घर का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। फिर भेड़िए को एक बात सूझी। वो बेकरी पर गया और उसने एक केक उठा लिया जो शहद से भरा हुआ था। उसने वो ये सोचकर खाया कि उससे उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। अब मैं अम्मा बकरी की तरह बोल सकता हूँ। बार बार वो अम्मा बकरी की आवाज की नकल करता गया। मैं वापिस आ गई हूँ बच्चों, मैं वापिस आ गई हूँ। फिर वो वापिस सात बच्चों और घर की तरफ लौटा और उसने दरवाजे पर खटखटाया। दरवाजा खोलो, मैंने अभी उस बेवकूफ भेड़िए को देखा है, वो दरिया पर मछली खा रहा था। बकरी बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर दरवाजा नहीं खोला। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। इस दफा बच्चों को कुछ शक था। उन्हें वो आवाज अपनी माँ जैसी लग रही थी और वो दरवाजा खोलने लगे थे कि साथ ही सबसे बड़े बच्चे ने कुछ अजीब बात देखी दरवाजे में से। रुको, तुम हमारी माँ नहीं, उसके इतने खौफनाक काले पंजे नहीं हैं। चले जाओ मक्कार भेड़िए। और एक दफा फिर अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भेड़िए ने दरवाजा बंद पाया। अब भेड़िए ने घर के अंदर घुसने की कोशिश की एक खिड़की से जो फर्श से कुछ ऊपर थी। भेड़िए ने आहिस्ता आहिस्ता ईंटें इकट्ठी करना शुरू की घर के अंदर दाखिल होने के लिए। बिलाखिर वो खिड़की तक पहुंच गया और उसने अपने आप को खिड़की में धकेला। तुम उस बेवकूफ बकरी के पागल बच्चे, अब मैं तुम्हें एक एक करके मार दूंगा। हे पागल भेड़िए, तुम अपने आप को बहुत तेज समझते हो, मगर अब देखो क्या होता है। बच्चों ने भेड़िए की तरफ बर्तन फेंकना शुरू कर दिया। भेड़िए को सर पर चोट आई और वो नीचे गिर गया। भेड़िए का दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो चुका था। फिर उसने एक दरख्त का तना लिया और दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। इस दफा मैं हूँ भेड़िया, तुम्हारी माँ नहीं। चले जाओ यहाँ से। अब मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तमाम बच्चे इकट्ठे हुए और दरवाजे के साथ जुड़ गए। चार पांच दफा की कोशिश के बाद तना तो टूट गया, लेकिन दरवाजा वैसे ही था। कुछ गहरा सोचने के बाद भेड़िया चक्की पर गया और उसे एक आटे की बोरी मिली। उसने अपने पंजे उसमें धसाए तो वो पंजे सफेद हो गए। भेड़िया वापस बकरी के घर की तरफ लौटा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बच्चों, दरवाजा खोलो। इस बार बकरी बच्चों ने एक दूसरे को देखा मगर दरवाजा नहीं खोला। ओ, तुम सोच रहे हो कि मैं भेड़िया हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए बाजार से तोहफा लाई हूँ। चलो बच्चों, दरवाजा खोलो। वो आवाज माँ की जैसी थी तो सबसे छोटे बच्चे ने दरवाजे के नीचे से छुपकर देखा। इसके पांव तो सफेद हैं, ये हमारी माँ है, दरवाजा खोलो। बच्चों को अब यकीन हो गया, उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें देखकर धचका लगा। इतने बड़े दांत और इतना बड़ा जबड़ा, गुस्से से वो रा रहा था। अब तुम सब जल्द मेरे पेट के अंदर होगे, मत रो मेरे मजेदार खाने। बच्चे दहशत से भागे, एक मेज के नीचे गया, दूसरा बिस्तर के नीचे चला गया, एक ने अलमारी में खुद को बंद किया और एक चूल्हे में चला गया और एक सुराख के अंदर बैठ गया। सबसे छोटे वाला दादा की घड़ी में जाकर छुप गया। तुम छुपन छुपाई खेलना चाहते हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें निगलूं। एक एक करके छुपे हुए बच्चों को भेड़िए ने बाहर निकाला। वो मकार भेड़िया उन्हें एक ही नवाले में निगलता गया। सिर्फ एक जो फरार हो सका वो छोटा काला बच्चा था, क्योंकि भेड़िए ने कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया कि दादा की तंग घड़ी में एक बच्चा छुप भी सकता है। और वह क्या मजेदार खाना था, ताजे बकरे। भेड़िया फौरन घर छोड़कर भागा, माँ के आने का वक्त हो चुका था।
जल्द ही अम्मा बकरी बाजार से वापस लौटी। कुछ फासले से उसने घर का दरवाजा खुला देखा तो वो घर की तरफ भागी और उसका खदशा जाहिर हो चुका था। बर्तन टूटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, पूरा घर बर्बाद हुआ हुआ था और बच्चों का कोई नामो निशान न था। माँ जैसे कुर्सी के ऊपर गिर सी गई और रोने लगी। जब वो रो रही थी तो दादा की घड़ी का दरवाजा खुला और वो काला बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आया। अम्मी अम्मी, माँ ने अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाया और रोने लगी। मेरे खुदा, ये क्या हो गया? तुम्हारे दूसरे बहन भाई कहाँ है? ये बहुत बुरा हुआ, भेड़िया आया और मेरे सब बहन भाइयों को खा गया। मगर मैंने तुम सबको बोला था कि दरवाजा नहीं खोलना, और कैसे पता लगेगा कि ये भेड़िया है या नहीं? बच्चे ने उसे पूरी कहानी सुनाई और भेड़िये की बुरी चालों के बारे में बताया। मित्रो मेरे प्यारे भेड़िये, तुमने मेरे मासूम बच्चों को धोखा दिया। अब मैं इस बुरे भेड़िये की कहानी खत्म कर दूंगी। चलो इसे ढूंढ निकालते हैं। अम्मा बकरी और उसका बच्चा घर छोड़ के निकले भेड़िये को ढूंढने के लिए। अम्मा बकरी को खरखराहट की आवाज सुनाई दी, कोई बहुत जोर से खराटे ले रहा था। ये वो लालची भेड़िया था। बच्चों का खाना इतना भारी था कि वो बहुत गहरी नींद सो चुका था, जैसे वो दुनिया के लिए मर चुका हो। एक झटके में अम्मा बकरी को एक ख्याल आया। अम्मा बकरी ने एक सुई, धागा और कैंची ली। इससे उसने भेड़िये के पेट को काट डाला और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इस जालिम ने उसके तमाम बच्चों को साबुत निगल लिया था। छोटा बच्चा अपने बाकी के बहन भाइयों को देखकर खुशी से कूदने लगा। अरे तुम मेहरबानी करके खामोश रहो, वरना तुम भेड़ियों को जगा दोगे। एक एक करके वो भेड़िये के पेट में से बाहर निकलना शुरू हो गए। जल्दी जल्दी आवाज नहीं निकालनी इससे पहले कि वो जागे, हमें निकल जाना चाहिए। बिलाखिर तमाम बच्चे बाहिफाजत बाहर आ गए। ठीक है, अब मैं इसको सी देती हूँ। रुको, मुझे पत्थरों का ढेर ला दो। और फिर उन्होंने भेड़िये के पेट को पत्थरों से भर दिया और उसे सी दिया। भेड़िया एक जोरदार भूख से जागा और उसने अपना भारी पेट देखा। ये बच्चे हजम होने में बहुत वक्त ले रहे हैं, मुझे तो प्यास लगी है। भेड़िया दरिया की तरफ चल पड़ा। वो इतना वजनी हो गया था कि उसके लिए पांव उठाना मुश्किल हो रहा था। इतना भारी पेट है मेरा, मुझे बहुत प्यास लगी है। पर जब वो दरिया पर पहुंचा पानी पीने के लिए, तो उसके वजनी पेट ने उसको उल्टा कर दिया और वो पानी में गिर गया। अम्मा बकरी और बच्चे पानी पर पहुंचे। भेड़िया तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेट में पत्थर होने की वजह से वो डूबता गया और डूब गया। तमाम बच्चे और अम्मा उसे देखकर हंस रहे थे। वो मकार भेड़िया मर चुका था और बच्चे अपनी माँ के साथ खुशी खुशी घर लौट गए।